हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, हम नाइलेट के ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है। चैप्टर 6 हमारा रनिंग में था आज, जिसका क्या पार्ट नंबर 10 है। जावास्क्रिप्ट हमारे चैप्टर का नेम है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। प्रीवियस में आपने काफ़ी वेरिएबल्स के बारे में अपने नॉलेज इम्प्रूव करी थी, जिसमें मैंने आपको काफ़ी टर्म्स क्लियर करवाए थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो उसी में एक न्यू टॉपिक है कि वेरिएबल्स के क्या टाइप्स होते हैं, क्या स्कोप होता है, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर वेरिएबल्स है क्या, उसका स्कोप क्या रहता है। स्कोप इज द एरिया ऑफ द प्रोग्राम विद इन विच अ गिवन वेरिएबल ऑब्जेक्ट और फंक्शन इज एक्टिव विजिबल एंड अवेलेबल। स्कोप एक ऐसा एरिया है हमारे प्रोग्राम में, जिसमें कि अगर हमने कोई वेरिएबल दिया है हमारे, या कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई फंक्शन है, वो फंक्शन उसमें एक्टिव होता है, विजिबल होता है और अवेलेबल होता है, ताकि उस वेरिएबल, उस ऑब्जेक्ट, उस फंक्शन को हम यूज़ कर सकें हमारे प्रोग्राम के अंडर में। ठीक है, तो स्कोप आपको समझ में आया कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया हमारे ऑब्जेक्ट का, फंक्शन का, वेरिएबल का। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स हैव ग्लोबल स्कोप और फंक्शनल स्कोप। जावास्क्रिप्ट में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनका स्कोप दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ग्लोबली और एक हमारा फंक्शनल, जो स्कोप होता है हमारे वेरिएबल्स का उसको। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए जो जावास्क्रिप्ट में हमारे वेरिएबल्स हैं, उन्हें टू टाइप्स में डिवाइड करा गया है। एक तो आता है हमारे लोकल वेरिएबल्स, एक आता है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप सिंपल से समझ में ये तो आ गया होगा कि वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। जहाँ पे उस फंक्शन को, पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ में लिया जा सकता है, उससे बाहर उन्हें यूज़ में नहीं लिया जा सकता। और जावास्क्रिप्ट में हमने देखा है कि हमारे दो टू टाइप्स के क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एक तो ग्लोबल स्कोप वाले और एक फंक्शनल स्कोप वाले। अब हम इसके बारे में देखेंगे आखिर इनकी डिटेल है क्या। सबसे पहले देखते हैं हम लोकल वेरिएबल्स। ये तो थ्योरी है, हम प्रैक्टिकल भी इन पर करके देखेंगे। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर लोकल टू द फंक्शन। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आई होप प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हम उस फंक्शन का यूज़ उस पर्टिकुलर स्कोप के अलावा पूरे फंक्शन में कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल्स। यानी आपने किसी फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो उस वेरिएबल का जो भी आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, प्रोसेस चाहते हैं, वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड जहाँ पे भी आपकी डिटेल्स होगी, क्योंकि वहीं होगी, पूरे फंक्शन में आपके वो वर्क नहीं करेगी। दे आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड फंक्शन। उस फंक्शन से आउटसाइड में आप उस वेरिएबल का जो डेटा है वो एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारा एक लोकल वेरिएबल है, यानी इसको एक पर्टिकुलर लोकल जो आपने डिफाइन करवाया एरिया, केवल उसमें ही ये वर्क करता है, एक्टिव होता है, पूरे फंक्शन में, पूरे प्रोग्राम में ये एक्टिव नहीं होता। एज लोकल वेरिएबल्स आर ओनली अवेलेबल विद इन देयर फंक्शन। लोकल वेरिएबल्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो भी उनका पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन किया होता है। जैसे प्रीवियस में देखा था, हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया था, फिर हमने एक फंक्शन का नेम दिया था, उसके पैरामीटर्स दिए थे, स्टेटमेंट दिया था। तो अगर मान लीजिए आपने स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल दिया है, तो उस वेरिएबल का यूज़ केवल उस स्टेटमेंट से रिलेटेड ही जो प्लेस होता है वहीं पर यूज़ में लिया जाएगा, बाकी कहीं भी उसका यूज़ नहीं लिया जाएगा। सेम वेरिएबल नेम कांट बी यूज आउटसाइड फंक्शन स्कोप। उस वेरिएबल नेम का यूज़ आप फंक्शन से बाहर कहीं भी नहीं कर पाएंगे, केवल उस फंक्शन से रिलेटेड जो जहाँ तक डिटेल होगी, केवल वहीं पर आप उस वेरिएबल के नेम का यूज़ कर सकते हो, उससे अलग आप उस फंक्शन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस वेरिएबल का जो डेटा होगा वो आपको एक्सेस नहीं करने को मिलेगा। लोकल वेरिएबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम स्टैक आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीट। अगर हमारा फंक्शन एग्जीक्यूटेड कम्प्लीट हो जाता है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जो भी हमारा लोकल वेरिएबल होता है वो क्या कर दिया जाता है, स्टैक से डिलीट कर दिया जाता है, उसका यूज़ हम और कहीं नहीं कर सकते। तो यही ये मानता है कि जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाएगा, केवल उस पर्टिकुलर एरिया में ही क्या होगा, इस फंक्शन का यूज़ किया जा सकेगा, बाकी उसका कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकता। वो जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को भी हम केवल फंक्शन में ही यूज़ में ले सकते हैं, अगर हम उस पर कोई एडिटिंग करवाना चाहते हैं। तो ये तो था हमारा लोकल वेरिएबल। देखते हैं अब ग्लोबल वेरिएबल क्या था। नाम से पता चला, ग्लोबल यानी पूरे प्रोग्राम में। अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन। फंक्शन से बाहर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने फंक्शन डिफाइन करना सीखा था, उससे बाहर अगर हम कोई वेरिएबल हमारा डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमारा किस में आता है, एज अ ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। हैज ग्लोबल स्कोप एंड इज अवेलेबल एनी वेयर विद इन जावास्क्रिप्ट कोड इंक्लूडिंग फंक्शंस।
यहाँ पे जो कोड दिया जाएगा वो कहीं भी यूज में ले सकते हैं हम, उसका स्कोप वाइड होता है, ग्लोबल होता है, पूरे प्रोग्राम में हम उसका यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट के कोड में जो कि हमारे फंक्शन है उसमें भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड में हम कहीं भी उस ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, और जो हमने फंक्शंस डिक्लेयर करे हैं अलग से, हमने फंक्शंस बनाए उनमें भी हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है, लोकल वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन में ही डिफाइन किए जाते हैं, उनका बाहर कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स का हम फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन से आउटसाइड भी पूरे प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स को यूज में ले सकते हैं। एक नोट करने वाली आप लोगों के लिए टॉपिक है यहाँ पे, लोकल वेरिएबल्स आर डिलीटेड व्हेन फंक्शन इज कंप्लीटेड। लोकल वेरिएबल्स हमारे डिलीट कर दिए जाते हैं अगर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। वेयर एज ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिलीटेड व्हेन पेज एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स किस कब डिलीट किए जाते हैं, जब हमारा पेज का एग्जीक्यूशन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तब हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स क्या कर दिए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये मेजर सा डिफरेंस है इनमें। लोकल जिनका स्कोप थोड़ा कम होता है, केवल जो फंक्शन डिफाइन किया होता है वहीं तक सीमित होता है, जबकि ग्लोबल यानी पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे प्रोग्राम में आप इनके जो वेरिएबल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो ये तो था इन पर थ्योरी बेस्ड, अभी हम इस पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए कि लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरह से हम डिफाइन करके यूज कर सकते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा हमारा नोटपैड का सॉफ्टवेयर। देखिए, हमने हमारा नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमने अभी वही जो मेजर हमारी इंपॉर्टेंट कोडिंग होती है वो लिखी है, यानी हमने HTML लिखा है, हेड लिखा है, उसके बाद हमने टाइटल लिखा है हमारे प्रोग्राम का, बॉडी दिया है हमने हमारे कोडिंग का, फिर हमने यहाँ पे एक बॉडी टैग में जो कि HTML से रिलेटेड है पी पैराग्राफ का यूज करा है, पी टैग का यूज करा जो कि हमारे पैराग्राफ को डिफाइन करवाता है, और फिर हमने जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करा है। सबसे पहले तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं ताकि जो भी हम चेंजेस करें उसका हमें पता चलता जाए कि क्या इसका इसमें चेंजेस हो रहे हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, सिंपल पता है ये पहले से सेव थी इसलिए आपको केवल ये आउटपुट दिख रहा है। अब ये तो था सिंपल सा अभी तक का जो भी प्रोग्राम। अब हमने क्या बात करी, एक तो लोकल वेरिएबल्स की बात करी, एक करी हमने ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल्स पे वर्क करके देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर आप लोकल वेरिएबल्स होते तो उनका हम केवल फंक्शन में ही यूज कर सकते हैं, केवल फंक्शन में ही ऐसे वेरिएबल के डेटा का यूज कर सकते हैं, केवल फंक्शन में ही इन वेरिएबल्स पे वर्क कर सकते हैं, आउटसाइड में नहीं कर सकते। कैसे, उसके लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करवाना होगा एक फंक्शन। फंक्शन के लिए आप जानते हैं हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज करना होता है। आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ FUNC ले लिया। पैरामीटर्स के हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये तो हमने केवल फंक्शन लिया है कि हमने एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं और ये हमारे फंक्शन का नेम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेके देखते हैं एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या आप जानते हैं, VAR कीवर्ड का यूज करते हैं हम, और यहाँ पे हमने लिया वेरिएबल a करके इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये हमने लिया। आप जानते हैं हमें अगर प्रिंट करवाना है तो हम लिखवाते हैं यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम या तो ए लिख दें या जो भी टेक्स्ट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख देते हैं डबल इन्वर्टेड कोट्स में, वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, ठीक है। हमने सिंपल से हमारे यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करते सबसे पहले तो कि इसका आउटपुट क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे माइनर सा चेंजेस हुआ है। देखिए अब डिफरेंस आउटपुट क्यों नहीं आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि आउटपुट क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है। देखिए ये गलती करना भी जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह से हम डायरेक्ट आउटपुट लाने लगे तो हमारा प्रोग्राम इतने अच्छे से रन नहीं होगा। हमने क्या करा है, फंक्शन डिक्लेयर करा है, ये फंक्शन का नेम हमने ये दिया है, हमने वेरिएबल तो दिखा दिया और इस फंक्शन पे क्या वर्क होगा वो भी दिखा दिया, बट गलती से बाय मिस्टेक मैंने क्या नहीं करा, इस फंक्शन को कॉल नहीं करा। अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो जो भी मेरे फंक्शन का नेम है मैं क्या करूँगी, उसे लिखूंगी। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल लेस से सेव, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो हमें बता रहा है वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज 5 हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए ये जो ए वेरिएबल हमने लिया है इसका स्कोप क्या रहेगा, इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं होगा। कैसे, अगर मान लीजिए हम यही स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं तो क्या हमें ए का डेटा प्रिंट के रूप में मिलेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते स्विच करते ब्राउजर विंडो पर और यहाँ पे हम करके देखते रिफ्रेश, हमें
हमें यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो है देखा जाए तो बेसिकली हमारी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ए नाम का वेरिएबल हमने जब बाहर डिफाइन ही नहीं करवाया तो हम उसे प्रिंट भी नहीं ले सकते। और ये बता रहा है कि जो ए नाम का वेरिएबल है उसका स्कोप केवल इस फंक्शन तक है, इससे आउटसाइड में आप इस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं होगा। एक बार और करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी करा, कंट्रोल एस सेव करते हैं, स्विच करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए जहाँ पे हमें मिस्टेक मिली वहीं से यहाँ फंक्शन कॉल होने से पहले ही हमें मिस्टेक मिल गई, तो देखिए यहाँ से हमारा सभी स्टेटमेंट रिमूव हो गया। ये नीचे था तो हमें कम से कम जो हमने फंक्शन कॉल किया था उसका तो डेटा हमें मिल रहा था, बट जैसे हमारी जहाँ मिस्टेक हुई वहाँ से हमारे फंक्शन को कॉल वर्क नहीं किया गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे लोकल वेरिएबल्स का, क्यों? क्योंकि इसका स्कोप लिमिटेड है, केवल फंक्शन के अंदर ही से डिफाइन किया गया और केवल फंक्शन के अंदर तक ही इसको यूज में ले सकते हैं। ये सिंपल सा था हमारा लोकल लोकल वेरिएबल का। अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। ग्लोबल वेरिएबल का मैंने बताया कि हम इसे फंक्शन के बाहर डिफाइन करवाते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया, ए करके ही लिया क्योंकि अभी हम ये पर समझ रहे हैं, ए लिया और इसमें हमने वैल्यू करवा दी 10, ठीक है, सेमी कॉलन लगाते हैं और हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 5, ये हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कहीं ब्रेक लगा लेते हैं, बी आर टैग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बी आर टैग का यूज लगा लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, फिर हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। ओप्स, ये यहाँ पे नहीं, हमें इससे पहले लगाना है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे रिसीव हो गई। अब देखिए ये हमारा क्या वर्क करके दिखा रहा है। देखो सबसे पहले हमारे जैसे स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हुई, इसने देखा वेरिएबल ए नाम का, एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें कितनी वैल्यू है 10। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करवाया, हमारे यहाँ पे फंक्शन हमने डिफाइन करा है, ना कि कॉल किया। यहाँ पे क्या करा है, हमने डिफाइन करा ये पूरा फंक्शन। ठीक है, तो ये तो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम इसे कॉल करेंगे, बट हमने इसके बाद इसको डिफाइन करा। डिफाइन करने के बाद हमने बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारा इस तरीके का जो भी स्टेटमेंट है उसको फॉलो किया जाए, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेगी, इस 10 की। क्यों? क्योंकि इसको तो अभी हमने कॉल ही नहीं करा, इसको तो हमने कॉल ही नहीं करा, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी मिलेगी, इस 10 की। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो ये हमें यहाँ पे ये मिल गया, वैल्यू ऑफ ए इज 10। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट पर आया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया, तो जैसे ही फंक्शन को कॉल किया गया हमारा स्टेटमेंट जंप करके कहाँ पे आया, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया था। इसको डिफाइन करने के लिए क्या बताया गया कि ए नाम का जो वेरिएबल उसकी वैल्यू कितनी कर दी गई है, 5 कर दी गई है। ठीक है, और इसको करवा दे प्रिंट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ ए इज 5, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो हमारा एग्जांपल है ये ग्लोबल वेरिएबल का है। ठीक है, ये तो चलिए हमने पहले से दे रखा था ए इक्वल्स टू 5। मान लीजिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब तो ए नाम का एक ही वेरिएबल है और जो कि हमारा ग्लोबली डिफाइन करा गया है। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब हमें क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 10। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया था उसको तो हमने रिमूव कर दिया, यानी ये क्या है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल है जिसका यूज हम फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है इसके अंदर भी कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे करा है, और फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ग्लोबली डिफाइंड है, यानी इस वेरिएबल का हम पूरे फंक्शन में कहीं भी यूज ले सकते हैं, जबकि हम इस वेरिएबल का पूरे फंक्शन से बाहर यूज में नहीं ले सकते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी करके दिखा दिया। तो आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि लोकल वेरिएबल्स को कहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा कि लोकल वेरिएबल्स कहाँ तक डिफाइन होते हैं एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में तो इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।